हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेशन। मैं रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं अबाउट तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में से एक है और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी काफी पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की। बिकॉज इसके पॉपुलर होने के दो मेन कारण है, एक कि ये मॉस्को के काफी नजदीक पड़ती है और सेकेंड कि इसका बजट अफोर्डेबल है। ये दो मेन कारण है जिस वजह से बच्चे काफी अट्रैक्ट होते हैं इस यूनिवर्सिटी को लेके, और हर साल इंडिया से काफी बच्चे तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं एमबीबीएस स्टडी को लेके। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गाइस आने वाले टाइम में अब जो मेरे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे मैं यूनिवर्सिटीज जो भी रशिया की है अदर कंट्री की है वन बाय वन कवर करने की कोशिश करूंगा, और हर यूनिवर्सिटी के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं अबाउट यूनिवर्सिटी, अबाउट कंट्री, अबाउट फी स्ट्रक्चर, अबाउट टोटल बजट, एवरीथिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता लगे और आप अकॉर्डिंग टू यू एंड योर बजट कोई एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अप टू डेट रहें इन इन्फॉर्मेशन को लेके। अगर आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एडमिशन के लिए आप हमें चूज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका एडमिशन प्रोसेस नॉमिनल प्रोसेसिंग फी में कंप्लीट होता है। तो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके पॉपुलर होने के दो मेन कारण है। एक तो मॉस्को के काफी नजदीक है, मॉस्को से काफी नजदीक है, अप्रोक्स 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तवेर सिटी लोकेटेड, और तवेर सिटी में तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, और तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1936 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो काफी ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की। अगर हम गाइस तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या तवेर सिटी का डिस्टेंस देखें मॉस्को से, तो अप्रोक्स 180 किलोमीटर के डिस्टेंस है, जो कि ट्रेवल टाइम आपको 2 से 2.5 घंटे बाय रोड लगता है, और अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो ये एक मेन कारण है, और भी एक मेन कारण है अफोर्डेबल बजट, लेकिन ये कारण है कि बच्चे काफी ऐसे हैं जो इस यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं, क्योंकि इंडिया दिल्ली या फिर आप किसी और स्टेट से डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं मॉस्को की, तो मॉस्को तक डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है आपको, और उसके बाद आप बाय रोड बाय ट्रेन चले जाते हैं इस यूनिवर्सिटी को, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप मॉस्को के आसपास है या मॉस्को में है। और दूसरा अफोर्डेबल बजट है, बजट मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे, क्योंकि गाइस काफी ऐसे पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं जिनसे हमारी बात होती है और हमें ये पता लगता है कि उनके पास अलग अलग कंसल्टेंसीज के थ्रू उनको अलग अलग पैकेज दिया जाता है, और वो इन पैकेज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कितना एक्चुअल में क्या पैकेज है इस यूनिवर्सिटी का। तो मैं स्क्रीन पे सब कुछ लिख के समझाऊंगा आपको, बताऊंगा कि एक्चुअल में ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल क्या है, और अदर चार्जेस क्या क्या होते हैं, ओटीसी क्या होता है, प्रोसेसिंग फी कितना है, कहाँ आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। वीडियो आगे तक देखिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अब बात करें अगर तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की, तो कैंपस काफी अच्छा है, काफी बड़ा है। कैंपस से हॉस्टल की डिस्टेंस अगर हम देखें तो हॉस्टल नंबर 3 और 2, ये दो हॉस्टल है जहां इंडियन स्टूडेंट्स काफी रह रहे हैं, 3 नंबर का डिस्टेंस अप्रोक्स 4 से 5 किलोमीटर का है, और हॉस्टल नंबर 2 का डिस्टेंस अप्रोक्स 2 से 2.5 किलोमीटर का है। तो ये दो हॉस्टल है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स रह रहे हैं। हॉस्टल में बेसिक फैसिलिटी आपको सभी तरह से प्रोवाइड की जाती है, लाइक मैट्रेस या बेड, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर या किचन वगैरह, सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, सो देट आप अच्छे से रह सके। बाकी छोटी मोटी दिक्कतें तो हर जगह होती हैं, इनिशियल प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं, तो वो चीजें हैं, डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, बिकॉज सभी बच्चों के लिए सभी दिक्कतें सेम नहीं होती, कुछ का कुछ प्रेफरेंस होता है, कुछ का कुछ प्रेफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू यू आप क्या प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से मैं आपको सही गाइड कर सकता हूँ। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, और एडमिशन के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ एमसीआई पासिंग परसेंटेज ऑफ तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 2015 to 2018 772 बच्चों ने एमसीआई एग्जाम को अपेयर किया है, जिसमें से 149 बच्चों ने एमसीआई एग्जाम को क्लियर किया है, और ये पासिंग परसेंटेज हुआ है 19.3। तो 19.3 बच्चों ने एमसीआई पासिंग एमसीआई एग्जाम को क्लियर किया है 2015 से 2018 तक। अगर हम 2019, 2020 और 2021 का रिजल्ट देखें तो आपको मैं स्क्रीन पे शो करता हूं, आप देखिए। 2019 की बात करें तो 636 बच्चों ने एमसीआई एग्जाम को अपेयर किया है, जिसमें से 155 बच्चे पास हुए हैं, और रिजल्ट रहा है 24%।
2020 की अगर हम बात करें तो 514 बच्चों ने एमसीआई एग्जाम को अपेयर किया है, जिसमें से 62 बच्चे पास हुए हैं और रिजल्ट रहा है 12.6। और 2021 को देखें तो 520 बच्चों ने एमसीआई एग्जाम को अपेयर किया है, जिसमें से 100 बच्चे पास हुए हैं और रिजल्ट रहा है 19.23। गाइस ये था तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमसीआई पासिंग परसेंटेज 2015 से 18 तक का और 19-20-21 का। तो आप अप्रोक्स देख सकते हैं कि 20-22%, 24% बच्चे एमसीआई एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के। और आप ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज का देखेंगे रिजल्ट तो अप्रोक्स यही रहता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही बहुत ज्यादा कम है। हाँ, लेकिन अगर वैसे देखें तो 100 बच्चों में से 20-22-24 बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा हम नहीं कह सकते। रिजल्ट है वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वहां जाके। अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है और 6 साल पढ़ता है और उनका फोकस रहता है अपने स्टडी को लेके, जो एम लेके जाते हैं वो एब्रॉड एम मेडिसिन का, उस एम पे फोकस करके रखते हैं, तो डेफिनेटली गाइस मैं कह सकता हूँ कि वो बच्चे पास होते हैं। तो गाइस ये था एमसीआई पासिंग परसेंटेज ऑफ तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 50% पीसीबी में मार्क्स होने चाहिए मिनिमम फॉर जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी मिनिमम मार्क्स 40% होने चाहिए, नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है, एज लिमिट मिनिमम 17 इयर्स के आप कंप्लीट होने चाहिए। आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं, अगर 2024 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2024 तक आप 17 साल के कंप्लीट हो जाने चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 6 ईयर का आपका कोर्स ड्यूरेशन है, जिसमें 1 ईयर की इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप इंटीग्रेटेड है और मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, इंटायर कोर्स आपको इंग्लिश में प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का टोटल कॉस्ट, बजट, ट्यूशन फीस और बाकी खर्चे आपके क्या क्या होते हैं। मैं स्क्रीन पे आपको शो करता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे और कहां आप अपने पैसे सेव करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। गाइस अब हम समझते हैं तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं, स्क्रीन पे सारी चीजें लिख के समझाऊं, इससे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जो ट्यूशन फी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं ये लास्ट ईयर का था और अभी तक है। आगे मई में ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज इन रशिया फी इंक्रीज होती है और नया प्रकाश आता है, और प्रकाश आने का मतलब है कि फी इंक्रीज जिस भी यूनिवर्सिटी का हुआ है वो अपडेटेड फी स्ट्रक्चर होता है। तो 24-25 सितंबर इंटेक, मान लीजिए अभी 2024 सितंबर इंटेक के लिए आप एडमिशन लेंगे तो हो सकता है मई में आपको ये पता लगे कि यूनिवर्सिटीज जो रशिया की उनमें से तवेर भी एक, तवेर की भी ट्यूशन फी इंक्रीज हो गई है। तो जो भी बढ़ी हुई ट्यूशन फी आएगी या बढ़ा हुआ फी स्ट्रक्चर होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर ट्यूशन फी इंक्रीज होती है। अभी एट द टाइम जब मैं वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ अबाउट यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, तो मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं जो लास्ट ईयर था और अभी तक है। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर अगर हम समझे तो 2,86,327 रूबल्स फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, सिक्स ईयर तक आप ट्यूशन फी पे करते हैं, 12,000 रूबल्स आप ईयरली हॉस्टल का चार्ज पे करते हैं, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, डेक्टोस्कोपी और अदर मेडिकल चार्जेस 19,800 रूबल्स आप फर्स्ट ईयर में पे करते हैं, फर्स्ट ईयर में आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, नोटराइजेशन एंड वीजा एक्सटेंशन के आप 5,200 रूबल्स पे करते हैं। फर्स्ट ईयर में टोटल आपका 3,23,327 रूबल्स होता है, सेकेंड ईयर से 2,86,327 रूबल ट्यूशन फी है, 12,000 रूबल्स हॉस्टल का चार्ज है ईयरली और 8,500 रूबल्स मेडिकल चेकअप इंश्योरेंस का पे करते हैं, 1,700 रूबल्स आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, नोटराइजेशन और वीजा एक्सटेंशन का पे करते हैं, जो कि सिक्स ईयर में टोटल आपका 18,65,962 रूबल्स होता है। इंडियन रुपीस में अगर हम देखें तो ये 16,72,000 रुपए टोटल हुए 6 साल का तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, डेक्टोस्कोपी, अदर मेडिकल चार्जेस और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, नोटराइजेशन एंड वीजा एक्सटेंशन का। तो गाइस ये यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर था जो आपने देना ही देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब आप ये समझिए कि इसके अलावा और क्या क्या खर्चे हैं सिक्स ईयर का। फर्स्ट ईयर में जो खर्चे हैं इसके अलावा आपका वन टाइम चार्ज होता है, वन टाइम चार्ज डिपेंड करता है कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी, बिकॉज वन टाइम चार्ज जो होता है उसके बदले जो आपको सर्विस मिलती है, इमिग्रेशन क्लियरेंस हो गया, एयरपोर्ट ट्रांसफर हो गया, एयरपोर्ट टू यूनिवर्सिटी तक जाना या जाते टाइम फूड हो गया आपका, सिम कार्ड,
बैंक अकाउंट ओपन होना, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वहां जाके जो भी आपको सर्विसेज मिलती है कंसल्टेंसी के थ्रू या यूनिवर्सिटी के थ्रू, उसके बदले जो आप चार्ज पे करते हैं उसको वन टाइम चार्ज बोलते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंसी चार्ज, कंसल्टेंसी चार्ज भी कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी डिपेंड करता है। इंडिया में आप कंसल्टेंसी चार्ज पे करते हैं उसके बदले जो सर्विसेज मिलती है आपको, आपका इन्विटेशन लेटर आता है, एडमिशन लेटर आता है, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल होता है, नोटराइजेशन होता है, एयर फेयर हो गया आपका, तो ये जो खर्चे हैं ये इंडिया में होते हैं जो उसको हम कंसल्टेंसी चार्ज बोलते हैं। तो आप जो पैसे सेव कर सकते हैं कंसल्टेंसी चार्ज में कर सकते हैं, आप नॉमिनल प्रोसेसिंग फी में हमारे थ्रू एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, हमारा वन टाइम चार्ज भी रीजनेबल है। तो ये कंसल्टेंसी टू कंसल्टेंसी डिपेंड करता है, वन टाइम चार्ज और कंसल्टेंसी चार्ज, क्योंकि कुछ कंसल्टेंसी ऐसे हैं जो वन टाइम चार्ज काफी ज्यादा चार्ज करते हैं या कंसल्टेंसी चार्ज उनकी काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ आप अपने पैसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा 6 ईयर तक आपका फूड का हो गया, 10 से 12 हजार रुपए मंथली आप फूड या पॉकेट मनी पे लेके चल सकते हैं, जो कि साल में 1 लाख होता है, 6 साल में 6 लाख के अप्रोक्स हो गया। इसके अलावा आपका ट्रैवलिंग का हो गया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की हो गई, या फिर और आप जितना पॉकेट मनी मान लीजिए आप इंडिया में जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही आप कैलकुलेट करेंगे कि वहां पे भी आपका इतना खर्च होगा। तो यही सारे खर्चे होते हैं जिसको आप टोटल कैलकुलेशन करके कैलकुलेट करके अप्रोक्स बजट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 6 ईयर का आपका कितना बजट रहने वाला है तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो मेन मोटिव मेरा यही था फी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना और क्या क्या खर्चे होते हैं वो एक्सप्लेन करना। और अगर आप हमें चूज करते हैं तो हम जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीजें अच्छी होती हैं। ज्यादातर जगह आपको इनिशियल प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं या फिर स्टार्टिंग की दिक्कतें होती होती हैं, छोटी मोटी एडवांटेज डिसएडवांटेज हर जगह होता है। तो आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं, हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।